हेलो एवरीवन, टुडे इन द सीरीज ऑफ डिलीवरी लेबर कॉम्प्लिकेशंस आज हम इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। इन्फेक्शंस जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से पहले नॉर्मल डिलीवरी के बाद और सिजेरियन के बाद, दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है वो स्टिच लाइन इन्फेक्शन है, एपिज़ियोटॉमी इन्फेक्शन है। और उसमें इन्फेक्शन होने के बाद फिर तो कोई नहीं रोक सकता, स्टिच पूरे खुल ही जाते हैं। तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं और डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? डॉक्टर्स का तो यही है कि स्टिचिंग के टाइम उनको ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना लगे, सफाई का पूरा ध्यान रखें। और पेशेंट के लिए भी यही इम्पॉर्टेंट है कि डिलीवरी के बाद वो स्टिच की केयर अच्छे से करें। स्टिच का हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो गर्म पानी का सेक करना, स्टिचेस धोकर उस पर ट्यूब लगाना, प्रॉपर साफ सुथरी जगह पे बैठना। दूसरा, इन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलरली आप अपने सैनिटरी नैपकिन्स चेंज करते रहें, क्योंकि ब्लीडिंग होती रहती है तो इसलिए स्टिच में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, सिट्स बाथ बहुत अच्छा रहता है। सिट्स बाथ का मतलब है कि आप एक टब में हल्का गर्म पानी भर लीजिए और सुबह शाम 2 टाइम उसमें 5-5 मिनट्स बैठ जाइए, क्योंकि ऐसे तो नीचे के स्टिचेस क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर आप सिट्स बाथ करते हैं तो उससे एक तो गर्म पानी का सेक हो जाता है और दूसरा पानी की वजह से वो टाँके अच्छे से धुल जाते हैं। क्योंकि बहुत कॉमन है कि आप मोशन गए या यूरिन गए तो आपका कुछ यूरिन या फीसेस वहाँ पे लग जाते हैं और फिर वो इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं। तो ये तो पेशेंट केयर हो गई। कई बार डिलीवरी के अंदर जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम पे जो बच्चे का सिर है उसकी वजह से कई बार पॉटी का रास्ता जो है वो फट जाता है। तो उन केसेस के अंदर क्योंकि जो फीसेस होते हैं वो स्टिच को कंटेमिनेट करते हैं तो स्टिचेस खुल जाते हैं। वो तो जब ही डॉक्टर्स पेशेंट्स की डिलीवरी कराते हैं उन केसेस में एक्स्ट्रा केयर लेते हैं। और अगर इस तरह का होता है, अगर आपके स्टिचेस वगैरह खुल जाते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर को जाके मिल लीजिए। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि पॉटी का रास्ता खुल गया है तब तो फिर हमें स्टिचिंग पेशेंट की 6 महीने बाद मेजर तरीके से ठीक करनी पड़ती है। ये तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो स्टिच है उनके कॉम्प्लिकेशंस की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं इन्फेक्शन अगर सिजेरियन के बाद होता है। सिजेरियन के बाद जो माइनर इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, टाँकों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया, दवाई दे दिया। और कभी कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पेशली, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है तो उसकी वजह से पूरे के पूरे टाँके खुल जाते हैं, तो उनमें कई बार टाँकों की सफाई करके टाँके लगाना पड़ जाता है। तो ये हमारे लिए माइनर इन्फेक्शंस होते हैं सिजेरियन के बाद। मेजर इन्फेक्शंस कौन से होते हैं सिजेरियन के बाद? कि मान लीजिए सिजेरियन के दौरान ऑपरेशन करते टाइम कोई इन्फेक्शन कहीं से लग गया, उसकी वजह से पेशेंट का पेट फूल गया, पेट में पस भर गया, उल्टियाँ चालू हो गई और बुखार, तेज़ बुखार आने लग गया, तो हम पेशेंट को वार्निंग सिम्टम्स में बताते हैं। सिजेरियन जब करवाकर पेशेंट जाता है तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप जब घर जाएँ तो आपको अगर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने लग जाएँ, गैस पास होनी या मोशन पास होना बंद हो जाए, या आपको बहुत तेज़ बुखार आए, पेट फूल जाए, उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल आना है, क्योंकि वो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। और उसके अंदर पेशेंट को, इसका मतलब है कि पेशेंट को पेट में पस पड़ गई है और पेशेंट को बहुत हाई एंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।